नमस्कार, एक आर्टिकल है, रिसर्च ओरिएंटेड आर्टिकल है, फैक्ट पर आधारित आर्टिकल है और सोशल मीडिया पे घूम रहा है, पढ़ देता हूँ। बहुत जरूरी है, बहुत भयानक आहट सुनाई दे रही है, सबको सुनाई दे रही है, आपको भी सुनाई दे रही होगी। जरा मैं क्लियर कर देता हूँ, पूरे देश में सभी रेलवे लाइनों के दोनों ओर बांग्लादेशी जिहादी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं ने झुग्गियां बना ली हैं। हर स्टेशन पर 100 मीटर के अंदर मस्जिद या मजार आपको जरूर मिल जाएगा। एक ही झटके में और एक ही कॉल पर पूरे भारत का रेलवे नेटवर्क जाम कर देने की स्थिति में वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्याएं कट्टर मौलवी मौलाना का दल आ चुका है। उदाहरण की जरूरत है आपको? अचानक से जब शोभा यात्रा हो रही होती है तो पत्थरों की बारिश हो जाती है, पेट्रोल बम चलने लगते हैं, गोलियां चलती हैं, लोग घायल होते हैं, वर्दी वाले पुलिस एसपी और आईजी तक घायल होते हैं और कांस्टेबल से तो नसीब नहीं होता है, ऐसे दंगों में घायल। सभी स्टेशनों प्लेटफॉर्म रेलवे लाइनों के आसपास बनी अवैध मजारों में संदिग्ध किस्म के लोग रात दिन मंडराते रहते हैं और रेकी करते रहते हैं। उनकी गठरियों में क्या सामान है, नहीं है, कहां से लाते हैं, क्यों लाते हैं, कौन चेक करता है? कोई चेक नहीं करता। मजारों मस्जिदों में किस तरह के गोदाम हैं, बनाए गए हैं और काम चल रहे हैं, इससे भी जो शासन तंत्र है वो आंखें बंद किए हुए हैं। हमारे शहरों में जितने भी हाईवे निकलते हैं, उन हाईवे पे आप आगे बढ़ जाइए तो हर 3-4 किलोमीटर पर आपको एक नई मजार, एक नई मस्जिद मिल जाएगी, सड़क पे मिल जाएगी। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कुछ तो चल रहा है, और कुछ तो चल रहा है में एक शब्द है, षड्यंत्र, जिसको आपको जोड़ना है और फिर देखना है। यदि पूरे देश में हालात यही हैं तो कितनी खतरनाक स्थिति है आप स्वयं समझ सकते हैं। अभी पिछले 15 दिनों में दुनिया ने देखा है भारत की स्थिति, 8 राज्यों में किस तरीके से दंगे हुए, पथराव हुए, आगजनी हुई। देश की राजधानी दिल्ली को जिहादियों ने लगभग चारों तरफ से घेर लिया है, बल्कि दिल्ली के भीतर एक नई दिल्ली बना लिया है जहां हमारी केंद्र सरकार रहती है, उसे भी पूरी तरीके से घेर लिया गया है। हजरत निजामुद्दीन से लेकर देवबंद तक जमात का गढ़ हो गया है। इन जालिमों का पतन होगा, ये खत्म होंगे, इनके जो जुल्म किए हैं इन जुल्म का खात्मा इंशाल्लाह ओखला से होगा, जामिया से होगा, हम सरिया बनेंगे इंशाल्लाह। कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। आज शाहीन बाग ने पूरी दुनिया को जगाने का काम किया इंशाल्लाह। के रोहिंग्या जो है शरणार्थी हैं ये, और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, उनको जगह देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तो केंद्र सरकार इनको जगह दे दे, बसा दे, कहीं यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग तो क्योंकि दिल्ली सरकार में है, मेरी विधानसभा पड़ती है, तो मैं ऐसे उनको कैसे बेघर कर दूं, कैसे उजाड़ के कहाँ जाएंगे वो उजड़ के। हर किसी को अल्पसंख्यक वोट चाहिए जी, हर किसी को मुसलमान का वोट चाहिए। क्या हिंदू इस देश में नहीं रहता? फ्री के चक्कर में, सिर्फ 2 पैसे का फ्री का पानी, फ्री का उसके चक्कर में पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी इसने। आज नहीं कल ये नौबत आएगी कि अब हम सबको अपना घर बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके 10-10 बच्चे, 15-15 बच्चे, हम 1-1, 2-2 बच्चे पैदा कर रहे हैं और हमारे 1-1 दो पे इनके 10-10 बच्चे हैवी होएंगे। तो इसलिए आज हमको उठ के खड़ा होना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। और जो समझ रहा है वो ठीक है, और जो नहीं समझ रहा है वो अपने घर बैठे हो आराम से, बाकी वो तो ही सोच रहे हैं कि संगठन संभालेंगे, संगठन नहीं संभालेंगे। ये सबको अपने अपने घर से निकलना पड़ेगा। दिल्ली में दंगे हुए, उसमें इसके नेता पकड़े गए, सरेआम पकड़े गए हैं और उनके नाम उनपे FIR हुई है, बंद भी हुए हैं। उसके बावजूद देश की जनता, हमारे देश दिल्ली के लोग 500 रुपए के चक्कर में पागल, वो तनख्वाह दे रहा है वहां पर 25-25 हज़ार रुपए और उनको मौलवियों को, लेकिन इनको दे रहा है 500 रुपए और 500 रुपए में वो सरेआम तमाचा मार रहा है वो मुंह पर। इनको केवल अपना ही
मतलब अपने लोग ही चाहिए, चाहे वो बाहर का बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, हमारी बहन बेटियों को धमकाए, उन्हें छेड़े, उनसे कोई मतलब नहीं, प्रशासन भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता हमारी। हम खुद परेशान होकर डेढ़ महीने पहले इस कॉलोनी में से जहाँ से ये रेडियाँ लगती है वो लोग वहाँ पर रहते हैं, वहाँ से परेशान होकर निकले हैं। वहाँ पर 90% हिंदू रहता था, लेकिन आज देख लो 50% भी नहीं मिलेगा वहाँ पर। और वो केजरीवाल जो हमारा यहाँ का मुख्यमंत्री बनता है, सारी जनता ने, यहाँ की दिल्ली की जनता ने वोट दिया, रोहिंग्या ने वोट नहीं दिया, लेकिन उनको सब कुछ दे रहा है वो, उनको घर बार सब कुछ दे रहा है, 10,000 रुपए भी दे रहा है वो। जब भी कभी हालात बिगड़े तो राजधानी आपको पूरी तरीके से जाम मिलेगी, रेलवे लाइनें जाम मिलेंगी, हाईवे जाम मिलेगा, आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। और ये आपको अगर मौका नहीं मिलेगा, ये कुछ ऐसा नहीं होगा कि भोपाल में गैस ट्रेजेडी हो गई, गैस लीक हो गया, लोगों की दम घुटने लगी, लोग मरने लगे और एक भोपाल के अंदर कैद होकर रह गए, नहीं, ट्रेनें उड़ा दी जाएंगी, सड़कों का चक्का जाम हो जाएगा, सड़कों पे आप मदद न दे पाएंगे, न ले पाएंगे, आप कहीं भाग भी नहीं पाएंगे। सोचिए, सोचिए कि देश के भीतर फैले देशद्रोही आपका क्या हाल करेंगे। सोचिए कैसे एक आवाज पे सड़कें रोकी जानी है, पुलिस चौकियों, सुरक्षा बलों पर हमले होने हैं, इनकी रिहर्सल शाहीन बाग और दिल्ली दंगों में आप देख चुके हैं, और अभी अभी बानगी दिख गई होगी जहांगीरपुरी में, राजस्थान के करौली हिंसा में, मध्य प्रदेश में देखी ना, कौन कहां से कमांड करेगा, हर शहर में कौन कहां से लीड करेगा, कौन कहां फॉलो करेगा, कैसे मैसेज पास होंगे, कैसे गजबाए हिंद अमली जमा पहनेगा, तैयारी पूरी दिखती है। PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एक्टिविटीज को देख लीजिए, इससे पहले जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन था नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट NDF को देख लीजिए, फिर सिमी को देख लीजिए, और यहाँ तक तो ठीक है, अब तो अलकायदा भी बुक खुल के आता है हिजाब के सपोर्ट में, आप समझिए। इंतजार है तो शायद सिर्फ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आर्मी के ग्रीन सिग्नल और तालिबानी लड़ाकों का, साथ ही निजामे मुस्तफा में सारे तकनीकी काम सुचारू रूप से चलें, इसीलिए बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाने लग गया, साथ ही हिजाब नकाब हलाल इन सब की दुकानें बहुत ही तीव्र गति से चल रही हैं, और शहरों के उन हिस्सों में भी हैं जहां की इनकी आबादी नहीं है या बहुत कम है, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेवात, अलवर, गुड़गांव, चारों तरफ से दिल्ली तालिबानी मानसिकता से घिर चुकी है, और इसका तो आपको असर दिखता है ना, जो गुड़गांव में इनकलाब जिंदाबाद होता रहा, सड़कों पे नमाज पढ़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, और दिल्ली में तो खैर रोहिंग्याओं को तो आम आदमी केजरीवाल जनाब जी बसा ही रहे हैं, अमानतुल्ला जैसे अपने MLA को छोड़ ही रखा है, उन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको आधार कार्ड बनाया जा रहा है, उनके वोटर कार्ड बनाया जा रहे हैं, उनको राशन मुफ्त दिया जा रहा है, उनको बसाया जा रहा है, उनको अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस खतरे को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। याद रहे ये जो शांति प्रिय हैं या जिन्हें आप अशांति प्रिय मजहब कहते हैं, उसका प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ घातक हथियारों से लैस नहीं है, मारकाट में भी दक्ष है, निपुण है। वो अपना क्या कहते दिल को दिमाग को इस बात पे नहीं खर्चा करते कि वो जो कर रहे हैं वो हवानियत है, वो शैतानियत है, या वो दया भाव जैसा बुझ दिली को नहीं पाल के चलते हैं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनका मजहबी एक्ट भी है, जिससे कि उनको जन्नत मिलता है, 72 हुड़े मिलती हैं जन्नत में, और फिर शराब की नदियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो उनके यहाँ मिलती हैं, वो नहीं है आप जैसे हिंदू नहीं हैं कि कहते हैं कि अगर ईश्वर 1000 बार भी जन्म दे तो आप धरती पे आएं, और पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है उनके लिए ट्रांजिशन है, जैसे यहाँ पे हैं असली जगह तो जन्नत है। मैं कहता हूँ जरा सोचिए, ये जो राजनीतिक दल हैं जैसे कांग्रेस हैं, कम्युनिस्ट हैं, जो सीडो सेकुलर्स हैं, जो समाजवादी हैं, जो लिबरल्स हैं और हिंदू हैं,
ये जो जात में बांटते हैं, तबके में बांटते हैं, वर्ण में बांटते हैं सत्ता के लिए, क्या ये इन जोंबियों से, इन गजवाए हिंद से खुद को बचा पाएंगे? खुद को नहीं बचा पाएंगे तो हमें कहां से बचाएंगे? वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। सत्ता के लालच के कारण वो क्या कर रहे हैं शायद उन्हें भी पता नहीं है। इस सब के अलावा जो खतरा सिर पे है वो किससे है? ये जो सेकुलर हैं, खोटे सिक्के, ये मोमबत्ती गैंग जो है, ये पुरस्कार वापसी गैंग जो है, ये जो कांग्रेसी हैं, आप ही हैं, ये जो अखिलेश हैं और समाजवादी की सत्ता जो है, और ये तो ओवैसी ओवैसी तो खुल के कहता है कि वो तो हिंदुओं को गाली देना ही अपना मतलब उसका मूलभूत अधिकार है, उसका मजहबी कृत्य है। वो जितना हिंदुओं को गाली दे, जिस तरीके से ओवैसी के भाषण को सुनिएगा तो आपके रोए नहीं खड़े हो जाएंगे, गुस्सा से तिलमिला जाइएगा, फिर भी कुछ कर नहीं पाइएगा, क्योंकि वो उस देश में है जो कहता है को हमारा देश है, जो 1947 को जो देश बटा हिंदू मुसलमान के नाम पे और एक पाकिस्तान बना, इस्लामिक देश बना, इसको किसने, भारत को हिंदू देश नहीं बनने दिया? आपने कभी सोचा जो आज ये देखने के दिन आ गए हैं? बहुत ही खतरनाक कोट इस देश में फैल चुका है। इसका इलाज समाज को जातियों में तोड़ने वाले नेताओं के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। वो इस सच को मानने से मना कर देंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक को कोसेंगे, भारतीय जनता पार्टी को कोसेंगे, विश्व हिंदू परिषद को कोसेंगे, बजरंग दल को कोसेंगे, हिंदू होने पे लानत भेजेंगे, कहेंगे ऐसा हिंदुत्व तो कभी था ही नहीं। जबकि इतना कुछ पिछली सरकारों के अंधेपन और दूरदर्शिता के कारण हुआ, एक दिन में इतना बड़ा नासूर नहीं फैला है। योगी जी से उम्मीद है, मोदी जी से उम्मीद है, अमित शाह से उम्मीद है, असम के हेमंत विश्वकर्मा से उम्मीद है, अब तो मामा बुलडोजर भी एक्टिव हो गए हैं क्योंकि सत्ता वहां है। लेकिन इन सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। कायर मत बनिए, तैयार रहिए। और तैयार किस तरीके से होइएगा? अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू योद्धा वोटर बनिए, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू योद्धा वोटर बनिए। नमस्कार, आप हिंदू हैं तो हिंदू योद्धा वोटर बनिए। ये हिंदू योद्धा वोटर एक ऐसा मुहिम है जो आपको बताता है कि आप न किसी जाति के हैं, न किसी वर्ण के हैं, न किसी पंथ के हैं, आप सिर्फ हिंदू हैं, हिंदू हैं, और हिंदू बनके वोट कीजिए और हिंदू सत्ता हासिल कीजिए जिहादियों के खिलाफ। जी हाँ, इसीलिए देश, धर्म, संस्कृति, समाज, घर, परिवार की सुरक्षा के लिए संगठित होइए। एक होइए, सिर्फ हिंदू के नाम पे एक होइए, हिंदू योद्धा वोटर बनिए, अपना देश हासिल कीजिए। और ये जो वीडियो है इसको जरूर शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, कर दीजिए। जो भी हमें जानते हैं, हमें देखते हैं, शेयर कीजिए, हर एक जन तक पहुंचाइए कि हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो हिंदू योद्धा वोटर तो बन ही सकते हैं। चलिए, हम तो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, ये हमारा छोटा सा चैनल राष्ट्रवादी चैनल है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ कहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वॉच मोर वीडियोज लाइक दिस।